14 जन 2000 को रिलीज हुई कहोना प्यार है, जो एक सुपरहिट फिल्म थी और ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों को खूब पसंद आ रही थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राकेश रोशन ने और ये उनके लिए काफी खुशी का मोमेंट था क्योंकि काफी वक्त के बाद उन्हें एक हिट फिल्म मिली थी। बट ये हैप्पी मोमेंट ज्यादा देर टिका नहीं क्योंकि मूवी के रिलीज के एग्जैक्टली 7 दिन बाद राकेश रोशन अपने ऑफिस से निकले कि तभी 2 आदमियों ने उनपे गोलियों से हमला कर दिया। ही सर्वाइव्ड, बट इस इंसिडेंट ने पूरी इंडस्ट्री को फिर से शॉक में डाल दिया क्योंकि इस हमले के पीछे फिर से नाम आया अंडरवर्ल्ड का। इंडस्ट्री फिर से खौफ में थी क्योंकि एग्जैक्टली 3 साल पहले ऐसे ही अंडरवर्ल्ड के शूटआउट में इंडस्ट्री ने टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार को खो दिया था और एक और अटैक एक क्लियर मैसेज था कि अंडरवर्ल्ड से कोई भी सेफ नहीं है। पर क्या रीजन था इस अटैक के पीछे, कौन थे ये लोग, जानते इस वीडियो में द अंडरवर्ल्ड अटैक ऑन राकेश रोशन। राकेश रोशन एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर रोशन लाल नागराज के पहले बेटे थे जिन्हें लोग रोशन कहते थे। रोशन जी ने बड़े बड़े सिंगर्स जैसे कि मोहम्मद रफी, मुकेश के साथ काम किया था और पहले इंडस्ट्री से काफी अच्छे से जुड़े हुए थे, जो एक इन्फ्लुएंस बना उनके बड़े बेटे राकेश रोशन के लिए इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए। इवन उनके छोटे बेटे राजेश रोशन उनके तरह एक म्यूजिक डायरेक्टर बने। 1967 में रोशन साहब के डेथ के बाद पूरा परिवार फाइनेंशियली स्ट्रगल करने लगा। तब राकेश रोशन सिर्फ 16 साल के थे, ऑलरेडी उनकी फैमिली मुंबई के वर्सोवा के गैराज में रह रही थी। ये देखते हुए राकेश रोशन ने अपने पुणे में फिल्म मेकिंग कोर्स को छोड़ के वापस मुंबई आने का डिसीजन लिया और अपनी फैमिली को उन्होंने आगे सपोर्ट करना स्टार्ट किया और राकेश रोशन ने अपना करियर एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर शुरू किया। पहले उन्होंने एजेस रवेल के साथ एज एन फोर्थ एडी काम किया फिल्म संघर्ष में, स्टारिंग दिलीप कुमार, वैजयंती माला एंड संजीव कुमार। फिर आगे जाके मोहन कुमार की फिल्म अनजाना में उन्होंने एज एन एडी काम किया। पर राकेश रोशन का मेन गोल था एक्टिंग, वो अपना लक एक्टिंग में ट्राई करना चाहते थे। और फिर फिल्म घर घर की कहानी में राकेश रोशन ने अपना डेब्यू किया जहां वो एक सपोर्टिंग रोल में नजर आए। उसके बाद राकेश रोशन ने कई फिल्मों में काम किया जैसे कि पराया धन ऑपोजिट हेमा मालिनी, जो उनका पहला सोलो लीड फिल्म बनी, आंख मिचोली ऑपोजिट भारती, खूबसूरत ऑपोजिट रेखा, कामचोर ऑपोजिट जयप्रदा। राकेश रोशन कई फिल्मों में नजर आ रहे थे मगर प्रॉब्लम ये थे कि राकेश रोशन को कोई बड़ा फेम नहीं मिल रहा था जो उनके करियर को पुश करता दिखे। इनफैक्ट इनकी फिल्म की हीरोइंस इनसे काफी आगे निकल जा रही थी। ये देखते हुए राकेश रोशन ने सोचा कि वो फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में ज्यादा फोकस करेंगे बिकॉज इट फैसिनेटेड हिम। और यही देखते हुए इन्होंने 1980 में खुद की प्रोडक्शन कंपनी फिल्म क्राफ्ट लॉन्च की और अपने प्रोडक्शन से पहली फिल्म लॉन्च की आपके दीवाने, स्टारिंग राकेश रोशन, ऋषि कपूर, टीना मुनीम, जो फ्लॉप हो गई। इसके बाद इसी प्रोडक्शन हाउस से आई कामचोर, स्टारिंग राकेश रोशन, जयप्रदा, सुरेश ओबराय। ये मूवी एक हिट थी और फाइनेंशियली भी काफी बढ़िया काम किया इसने। फिर भगवान दादा में खुद को ऐसा लीड उन्होंने लॉन्च किया स्टारिंग रजनीकांत, बट ये मूवी फ्लॉप हो गई। रजनीकांत की मूवी कब से फ्लॉप होने लगी? अनटिल 1987 में राकेश रोशन ने सोचा कि अब उन्हें मूवी डायरेक्ट करना चाहिए और उन्होंने बनाई एक्शन ड्रामा फिल्म खुदकर, स्टारिंग जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, गोविंदा, नीलम कोठारी, भानुप्रिया। और ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट थी और खूब पैसे कमाए इस फिल्म ने, थोड़ा हमें भी दे थे। और ये सक्सेस देखते हुए राकेश रोशन ने बनाई फिल्म खून भरी मांग, स्टारिंग रेखा, कबीर बेदी। ये फिल्म भी एक मेजर हिट थी। उसके बाद उन्होंने बनाई 1990 की फिल्म किशन कन्हैया, स्टारिंग अनिल कपूर इन डबल रोल, माधुरी दीक्षित, जो अगेन एक बॉक्स ऑफिस हिट थी। फिर राकेश रोशन ने बनाई 1995 की फिल्म करण अर्जुन। ये फिल्म इतनी बड़ी हिट थी कि आज भी करण अर्जुन की एक कल्ट फॉलोइंग है। मूवी में शाहरुख खान थे, सलमान खान थे, अब इन दोनों को कास्ट करने जाओ तो तुम्हारा घर बिक जाएगा और पूरा मोहल्ला। इस फिल्म के बाद राकेश रोशन ने फिर से शाहरुख खान को लेते हुए बनाई 1997 की फिल्म कोयला। फिल्म का रिस्पॉन्स काफी ज्यादा ही मिक्स था और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने एवरेज परफॉर्म किया और उसके बाद 3 साल तक राकेश रोशन ने कोई भी फिल्म नहीं निकाली। 2000 में उन्होंने बनाई कहोना प्यार है। कहोना प्यार एक लिए कहा जाता है कि उनकी पहली चॉइस थे शाहरुख खान। कैन यू इमेजिन शाहरुख खान एक पल का जीना पे डांस करते हुए? मैं तो कर सकता हूँ। बट इस फिल्म के लिए राकेश रोशन ने प्लान किया कि वो अपने बेटे ऋतिक रोशन को लॉन्च करेंगे। ऋतिक रोशन ऑलरेडी आपके दीवाने और भगवान दादा में काम कर चुके थे पर कहोना प्यार है उनका फर्स्ट लीडिंग रोल बना। कहोना प्यार है स्टारिंग ऋतिक रोशन एंड अमीषा पटेल को डायरेक्ट किया था खुद राकेश रोशन ने। ऑल्सो अमीषा पटेल का ये रोल पहले करीना कपूर करने वाली थी पर ये रोल अमीषा पटेल को ही गया। ये फिल्म एक बॉक्स ऑफिस हिट थी, लोगों को फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी। Movie is really nice.
इट्स वेरी गुड. आपके सामने बोर्ड है, हाउसफुल जा रहा है. इट्स अ फैंटास्टिक मूवी. मूवी के गाने और डांस तो विल आज भी एवरग्रीन है. और फिल्म जो सिर्फ 10 करोड़ के बजट में बनी थी उसने ऑलमोस्ट 80 करोड़ का बिजनेस किया. और जहां ज्यादा पैसा होता है वहां होती है मुसीबत. और ये मुसीबत तब शुरू हुई जब राकेश रोशन को इस फिल्म के सक्सेस के बाद से ही कॉल आने लगे अंडरवर्ल्ड के. अली प्रदेश नाम का एक बहरेन बेस्ड अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर कॉन्स्टेंटली कॉल कर रहा था राकेश रोशन को. डिमांड थे कि कौना प्यार है के ओवरसीज कलेक्शन में उसे हिस्सा दिया जाए. अली प्रदेश की गैंग पहले दाऊद इब्राहिम के साथ काम करती थी अंटिल अली प्रदेश का डी कंपनी के साथ 1997 में एक डील की वजह से डाउनफॉल आया और ये दोनों गैंग सेपरेट हो गई. और इसी के बाद से इन दोनों गैंग में राइवलरी शुरू हो गई जो एक अलग ही कहानी है. अली प्रदेश के डिमांड को राकेश रोशन ने साफ रिजेक्ट कर दिया. ऑलरेडी इंडस्ट्री काफी परेशान थी अंडरवर्ल्ड से और शिवसेना ने इंडस्ट्री को काफी हेल्प किया था अंडरवर्ल्ड से बचाने के लिए. तो सबको भरोसा था कि उनके साथ कुछ नहीं होने वाला. अंटिल 21 जनवरी 2000 को अली प्रदेश के कहने पे दो लोगों ने राकेश रोशन पे उनके तिलक नगर सांताक्रूज के ऑफिस के बाहर उनपे गोलियों से हमला कर दिया. एक गोली उनके लेफ्ट आर्म पे लगी, एक गोली उनके सीधा सीने पे लगी. उन्हें तुरंत गोली लगते ही उनके ड्राइवर आतिश पहले तो सांताक्रूज पुलिस स्टेशन लेके गए ताकि पुलिस उन अटैकर्स को जल्द से जल्द पकड़ सके. और वहां से उन्हें नानावती हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उनका ऑपरेशन डॉक्टर शरद पांडे चंकी पांडे के फादर ने किया. 4 घंटे की सर्जरी के बाद वो गोलियां निकली और कुछ दिन बाद उनकी बाईपास सर्जरी भी हुई क्योंकि जो गोली चेस्ट पे लगी थी वो हार्ट को छू के निकल गई थी. और वेल डॉक्टर्स को ये भी पता चला था कि उनकी आर्टरीज ब्लॉक्ड है तो हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा ही थे. इस अटैक के बाद काफी प्रोड्यूसर्स ने डर के मारे अपने प्रोजेक्ट्स को कुछ टाइम के लिए रोक लिया था. इवन सुभाष घाई ने अपनी फिल्म यादें की इनॉग्रेशन पार्टी को कैंसिल कर दिया था सिर्फ अटैक के डर से. इनफैक्ट पूरी इंडस्ट्री परेशान चल रही थी एक्सटॉर्शन कॉल से और कहा तो ये भी जा रहा था कि पुलिस कुछ ज्यादा कर नहीं रही थी उनके लिए. इस इंसिडेंट ने ऋतिक रोशन को काफी शॉक में डाल दिया. वो ऑलरेडी बिजी थे अपनी फिल्म कभी खुशी कभी गम के शूट के लिए लंदन में और इस अटैक के बाद वो लिटरली एक्टिंग छोड़ना चाहते थे क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद को ब्लेम कर रहे थे इस अटैक के लिए. मगर अपनी फैमिली के कहने पे ही कंटिन्यूड एक्टिंग. इस अटैक के बाद जर्नलिस्ट प्रवीण स्वामी ने रिवील किया कि यह अटैक राकेश रोशन को मारने के लिए नहीं हुआ था. यह अटैक सिर्फ और सिर्फ उन्हें डराने के लिए किया गया था जस्ट टू सेंड अ मैसेज कि शिवसेना बॉलीवुड को तो बचा नहीं सकती. शिवसेना के इन्वॉल्वमेंट के बाद कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड के बिजनेस पे काफी इफेक्ट पड़ा था. उनका कैश फ्लो जो बॉलीवुड के अंदर आ रहा था वो ऑलमोस्ट रुक गया और अंडरवर्ल्ड ये दिखाना चाहती थी कि उन्हें कोई नहीं रोक सकता. कहा यह भी जाता है कि राकेश रोशन को इससे पहले अब्दुल सलीम गैंग की भी धमकी आ रही थी जो रिस्पॉन्सिबल थी गुलशन कुमार के असैसिनेशन में. पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में उन अटैकर्स का नाम निकल गया, सुनील विठ्ठल गायकवाड़ और सचिन कांबले जो अली प्रदेश गैंग के लिए काम करती थी. और इन्हें तुरंत अरेस्ट किया गया और आगे जाके इन्हें उम्र कैद हुई. इनमें से सुनील गायकवाड़ 2020 में जून 26 को पैरोल के लिए बाहर आया पर ये फिर भाग गया. अंटिल अक्टूबर 9 2020 में पुलिस के हाथों ये पकड़ा गया और सुनील पे ऑलरेडी 11 केसेस थे मर्डर के लिए. अरे खूनी लोगों को कैसे पैरोल मिल रहा है यार. राकेश रोशन इस इंसिडेंट के बाद केम आउट स्ट्रॉन्ग और उन्होंने साफ दिखाया कि कोई भी अंडरवर्ल्ड का उन्हें गिरा नहीं सकता. 2001 के फिल्म फेयर में ऋतिक रोशन अपने फादर के लिए एक काफी इमोशनल स्पीच भी दिया. माय फादर हु हैज ऑलवेज बिलीव्ड इन डूइंग गुड वर्क वाज रिसेंटली अटैक्ड बाय अननोन असैलेंट्स. आई वाज लूजिंग फेथ इन पीपल इन गुडनेस इन द वर्ल्ड एंड इन योर ओन स्पेशल वे यू लेट मी नो दैट आई नीडंट एवर फील अलोन अगेन बिकॉज़ वी पीपल बिलीव इन ओनली वन थिंग दैट द शो मस्ट गो ऑन no matter what. इनफैक्ट इस अटैक से रिकवर होते ही राकेश रोशन अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम करने लगे और वेल 2003 में रिलीज हुई कोई मिल गया स्टारिंग ऋतिक रोशन एंड प्रीति जिंटा. ये मूवी इतनी बड़ी हिट थी लोगों में और उस वक्त मैं सिर्फ 8 साल का था और इस फिल्म के अराउंड जो क्रेज था वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. इनफैक्ट इस मूवी की सक्सेस ने एक फ्रेंचाइजी को जन्म दिया. कोई मिल गया, क्रिश, भाड़ में गया नंबरिंग सिस्टम, क्रिश 3 और बहुत जल्दी क्रिश 4 हमें देखने को मिल सकता है. लेट्स होप वो क्रिश 3 जैसा ना निकले. मुझे मानवर्स और कंगना नहीं देखनी. राकेश रोशन के इस अटैक के बाद ये इंडस्ट्री काफी स्ट्रांग उठ के आई पर लोगों में डर कहीं ना कहीं तो बैठ गया था. कई सवाल थे कि पुलिस कुछ भी कर क्यों नहीं पा रही थी. जर्नलिस्ट शीला रावल ने रिवील किया कि इस इंडस्ट्री को कॉन्स्टेंटली ऐसे कॉल्स आ रहे थे एक्सटॉर्शन के लिए. एड लैब्स के ओनर मनमोहन शेट्टी पे भी ऐसे ही हमला किया गया था और ऐसे कॉल्स के डर से तो काफी फिल्म मेकर्स अपना नंबर टाइम टू टाइम चेंज करते रहते थे. और जब पुलिस से
इंडस्ट्री के लोगों ने प्रोडक्शन मांगा तो उन्हें उस प्रोडक्शन का कॉस्ट भरने के लिए कहा गया। बट बड़े बड़े स्टार जैसे कि अमिताभ बच्चन को फ्री ऑफ कॉस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है और ये चीज लॉ एंड ऑर्डर पे काफी सवाल तो उठाती है। रही बात अली बुदेश की तो 14 अप्रैल 2022 को ही डाइड ड्यू टू हाई लेवल शुगर एंड कोमा कर्मा। बट ओवरऑल ये इंडस्ट्री ऐसे ही हमले से गुजरते आई है एंड ऐसे कई इंसिडेंट्स के बाद भी आज ये इंडस्ट्री स्ट्रांगली खड़ी है और आज भी ये हमें एंटरटेन करती आ रही है। तो ये था द अटैक ऑन राकेश रोशन। तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में और तुम्हें क्या लगता है पुलिस कहीं ना कहीं फेल हुई इन लोगों को प्रोटेक्ट करने में? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तुम्हें वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भूलना। साथ में अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। साथ में तुम मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हो। ये रहे मेरे सोशल हैंडल्स। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय। वीडियो देखी ना अब लाइक सब्सक्राइब कर दो।